बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोज में शामिल होंगे और ये भोज मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ दो दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं और इससे पहले नीतीश कुमार शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुए। विपक्ष बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनौती देने के लिए एक साझा उम्मीदवार उतारना चाहता है, जिसके लिए नीतीश कुमार की भूमिका को अहम माना जा रहा है, लेकिन पीएम के भोज में शामिल होने के चलते अब उनके स्टैंड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न कोई मुलाकात की बात, न राष्ट्रपति चुनाव की बात। माननीय सोनिया जी ने मुझे अप्रैल महीने में ही बुलाया था, हम उनसे मिल चुके हैं। अभी लंच पर उन्होंने विभिन्न पार्टियों को आमंत्रित किया था और हम लोगों की पार्टी की तरफ से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी गए। ये जो हम देख रहे हैं कल से, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन छोड़कर और कुछ नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से शरद जी उसमें शामिल हुए और पहले ही से तय था हमारी पार्टी कि वो जाएंगे और हमारी मुलाकात और हमारी बातचीत पहले हो चुकी है जिन विषयों की बात आप कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ कल आपकी मुलाकात होने वाली है 24 घंटे बाद। कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिन का भोज आयोजित है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया है और मैं उसमें शामिल होऊंगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी से किसी राज्य के मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं इस लोकतंत्र के इस संवैधानिक व्यवस्था में यह एक व्यवस्था बनी है, तो इसमें तो जा रहे हैं, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है।